जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं। आया बफल वाद्वार सन सारे के आया।
एक जोरदार ताली बजाएं आज के कलाकार जी के लिए, विनीत इनके पूरा ग्रुप के लिए। उपस्थित हमारे पधारे हुए श्रोतागण, पुनः मैं आज आपने बहन जीजा श्रीमान श्रीमती विनोद लाल, बेटा विनाल, जिनके आज तिलक संस्कार या वाक संस्कार, वाकदान संस्कार, कई ऐसे नाम है, उसके ऊपर हम अंतिम में प्रकाश डालेंगे कि तिलक संस्कार होता है क्या। और बेटे हमारे विनीत, इन परिवार ग्रहदाता, इन सब के ओर से मैं आप जितने कन्या पक्ष के लोग, जितने लोग आए, सभी को मैं स्वागत करता हूँ और जोर-जोर ताली से एक दूसरे को अभिनंदन किया जाए। और इधर हम चलते हैं श्रीमान श्रीमती रविंद्रा प्रसाद, जिनकी बेटी है करिश्मा, उनके नाना जी, दादा जी, काका जी, सबका आगमन इस दरबार में हुआ है आज। उनको मैं वर पक्ष की ओर से सुस्वागत करता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे समय निकालें। 16 संस्कार में से एक उत्तम संस्कार होता है विवाह संस्कार। एक माँ एक पिता दोनों ओर के हम लेते हैं, दोनों तरफ के लालसा होती है कब मेरे बेटे सियाने बने तो मैं कर्तव्य को देखे। उसी तरह कन्या के तरफ से उनके दिल की आकांक्षा होती है कि मेरी बेटी, जिस बच्ची को, जिस बेटे को हम पाल पोस कर बड़ा किए हैं, आज ये दर्जा दे रहे हैं। तो एक ताली हम बजाएंगे आज वो बेटा और बेटी के लिए। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम है, जहां भी है, आपने प्रथा आपने धर्म के नहीं छोड़े। धन्यवाद ऐसे माता पिता दोनों ओर के, मैं एक ब्राह्मण के हिस्से से हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ कि कितनों बड़ा आज इस देश में क्या क्या हो रहा है। मानो कई से घर में माता पिता तरस गए बेटी के विवाह, पुत्र के विवाह देखने के लिए, लेकिन इस देश में भी होते हुए हम रसम निभाए, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। तो धन्यवाद आप सभी के है। अब हम यहाँ से कार्य जो है परिपूर्ण करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ करिश्मा के भाई श्यामा, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जो आज आपने बहन के प्रति बिलखते हुए पर आंसू गिरा है आज इस आंगन में, जहां पर मैं तिलक का संस्कार को शुरुआत किया, अखर गया मुझे भी, लेकिन आज भाई जी एक उम्मीद लेकर आपके इस परिवार में मिले हैं। तो मैं बेटा आपको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप आसन ग्रहण करो। अब हम गीत के साथ बेटा हमारे जो विनाल है उन्हें हम प्रवेश करेंगे। अरे बेटा धीरे धीरे कदम बढ़ाना, यज शुभ दिन आए ना। बेटा धीरे धीरे कदम बढ़ाना, यज शुभ दिन आए ना। जोर-जोर ताली बेटा विनाल के लिए हो जाए। और धन्यवाद है, जब उनका आगमन हुई आप लोग सम्मान किया। आज हमारे बेटे विष्णु स्वरूप बनने जा रहे हैं और ऐसे अवसर पर ये आप लोग के आशीर्वाद है। मैं पूजा शुरुआत करने से एक विनती करता हूँ कि आप लोग के नौता दिया है कि किस लिए? आगन के शोभा बढ़ाने के लिए। दूसरा निमित्त क्या है कि बच्चन के आशीर्वाद, जो कार्य यहाँ हो रहा है आप लोग के आशीर्वाद के बहुत जरूरी है। हमारे दादाजी खड़े वहाँ बहुत विद्वान है, सब लोग हैं और सबके आशीर्वाद से कार्य है। आंख में आंसू की जरूरत नहीं है, खुशी का वेला है। तो
चले हम सब आसन लेते हैं और बेटा आप बैठो, चलो बैठो। सरस्वते नमः श्री गुरुभ्यो नमः वक्तुण्डम महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु शरभदा। बोलो गणपति महाराज की जय। हरि ओम श्री आपावित्रो पावित्रवा सर्वास्तंगतो पिवा समरेत साया भयंतर सूची धारणम। बेटा इसके पियो। ओम केशवाय नमः। दोबारा पियेंगे। श्री ओम माधवाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। हाथ साफ कर लो। हस्पक्षलम विनियोगः गोविंदाय नमः। लेफ्ट हाथ में नशोर में प्राण वस्तु आँख में अक्षनोर में चचरे वस्तु कान में कान्योर में श्रोत मस्तु कंधा में बाहुर में बल मस्तु पैर के गाठी। बेटा ऊर्जो में व्रज वस्तु हृदय में शांति अष्टु पर छीतले अरष्टानी में अंगानी तनस्तनवा में सहसंधि शंका तुषारंभम त्रिशंभुम नमामि संभोर मुकुट भूषणम चंद्रदेवता की जय। माता पिता गुरु बंधु का ध्यान लगा रहे हैं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवा महेश्वरा गुरुरे साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलो गुरु गोविंद की जय, मात पिता की जय, पितृ देवता की जय। ओम गणनंत्वा गणपति गुंग वाहामि, प्रिय नन्त्वा प्रियपति गुंग वाहामि, निधि नन्त्वा निधिपति गुंग वाहामि। वसो मम हम जानि, स्वस्त नगिंद्रो वृश्वाहा, स्वस्त नभोखा विश्वेदा, स्वस्त नस्तारष्टिणीमी, स्वस्त न बृहस्पतिर्धातु। प्रिकदश्वामरुतपशनिर्मता, शुभम जानो विदित जगमया, अग्नि जिह्वा मानो सुरक्षो विशनौ देवा आवगमनीया। भद्रम करने वी सरेनुयम देवा, भद्रम पशे मित्र जात्रा, स्त्रू रंगे तुतिष्ट्वंगा, सतम द्रुमजदा देवतम जदतु। शांति ब्रह्म शांति, सर्वे गुं शांति, शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधी। यतो यता समहिते ततो अभ्यम कुरु सन्ना कुरु प्रजम भयापुषम भवशु शांति भवा। बेटा लोग नमस्कार करना कुल देवता के, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायण भय बोलो नमः। उमा महेश्वराय भयम नमः। साची पुंडराय भयम नमः। वाणी हिरणाय गर्भवम नमः। विष्णु विष्णु ऋत्वराधेश श्वेत वाराकलवेवी विश्वंते स्तवे सती कलियुग प्रथम चरणे जम्बोदीपे प्रसंत महासागरे न्यूजीलैंड देशे भूलोके प्रसंत महासागरे न्यूजीलैंड देशे ओकलैंड नगरे यजमान ग्राम स्थान से अमुक मास से महामंगल मास से अमुक मास से षाढ़ मास से कृष्ण पक्ष चतुर्दिति तिथि अमुक वार बुधवार सायकाल वेला कैश्यप गोत्र से वर नाम विटापन नाल नाम से योम कन्या करिश्मा भ्राता नाम से विटापन चौन नाम से विवाह संस्कार वग्दाद संस्कार निमित्र यम तिलक संस्कार निमित्त पूजम योम गणेश गौरी कलश पूजम हम करीशय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चले एक एक फूल लेंगे बेटा। पहला पूजा गणेश के होता है। हर एक पूजन में गणेश के विनती करो कि हे गणपति बाबा, सब विघ्नों को दूर करने वाले हो, रक्षक है भगवान हमें सदा। अच्छा, विवाह संस्कार में कोई बाधा हो पिता, उसको निवारण करना। ओम विनायकम महात्पूर्णम सर्वदेवम नमस्कृतम सर्वबाधा विघ्नहर्ता गौरी पुत्र वहायमं गजाननम भूतगणावितम कपीत जंबो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विध्वंस पद पंक। बेटा तीन बेर जल छोड़ो इसके ऊपर। हरिओं पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि श्री गणपतये नमो। अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मुनियाओ गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मुनिया। गुरु गजानंद भगवान की जय। चलिए दूसरा फूल लेके महागौरी और शिव शंकर के याद करेंगे। शिव भगवान विवाह संस्कार का एक अधिकारी है, पितृ देवता के रूप में होते हैं। उनके माँ शक्ति दुर्गा माँ से पहले विनती करेंगे और भोलेनाथ के नमन करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवेश्वार्ति शादिके शरणे तंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः संभवाय च मयो भाय च नमः संक्राय च मस्क्राय च नमः शिवाय च संभुशुनाते। ओम तदपुरुषाय विद्महि महादिवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमहि वंदनातम् मेरित्यु मोक्षे मामृता। ओम श्री अग्नि देवाय नमो नमः। नमस्कार करो बेटा हाथ जोड़कर।
भगवान से विनती करो सब कारज मंगल कर पूरे गौरम करुणाय अवतारम संसार सारं भुजे विहारं सदा वसंतं हृदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरु जगदम्बे दुर्गा मात्रे की जय शंभुनाथे की जय नमः पार्वती पथै हर हर महादेव कलश विधि हम करेंगे बेटा दोनों जन बेटा आप लोटा में हाथ लगाओ विश्वारशिधत विश्वादा पृथ्वी जज्जा पृथ्वी दग्गुं पृथ्वी महागुं सिही बेटा आप पांच बेर समय जल आप लोटा में ओम वर्णसयूथमंदमसी वर्णैरितु सदनमसी वनवर्णायरितु सदनमा वरुणदेवाय वहायामं पूज्यामं बेटा आप चंदन के टीका लोटा के चारों तरफ चंदन सिंदूर सुजातु ज्योतिष सर्वदृशा विशोगने विशेष रूपम गम विभावशो एक दक्षिणा चलना है बेटा अंदर छोड़ दो आप ओम हिरणा गर्भ सत्वग्रे भूता जास पत्र के सिद्ध साधात्रा पृथ्वी चमाते में कश्मे भाई नमाद दोनों जन करा भवंतु तीनों की का लगाओ हरे चंदन मदिव गंधा विपिले पम शुरुषी चंदनम प्रति ग्रह दामम सभी लोग नमः बोलेंगे दोनों जन हाथ में फूल लेकर नमः करना नौ ग्रह देवता के बीज मंत्र से ओम राम रीम रोम सहा सूर्याय बोलो नमः ओम श्राम श्री श्रोम शाह चंद्राय नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा भुमाय नमः ओम ग्रम क्रीम क्रोम सहा बुद्धदेवाय नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा गुरुवे नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा शुक्रदेवाय नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा शनिदेवाय नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम सर्वग्रह शांति करा भवन्तु बोलो नौ ग्रह देवता की जय बेटा जाली दोनों लक्ष्मी और विष्णु के आह्वान करेंगे हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि जो विवाह संस्कार होगा किसी तरह से बाधा आज प्रथम कार्य है जो वागदान संस्कार हम पूर्ण कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान हमें सहायता करें ओम दोनों को छोड़ ओम सहस शिरिखा पुरखा सहस्त्र रक्षा सहस्त्र पातो सा भूमि सर्प तत्सद संगुलम पुरखे दग्भूं जज्जम जदा उत्तम इतामृते शेषानो जदनिता रोहिता संस्कार परिपूर्ण शिव भगवान खुद विवाह किया है तो किनको लेके गया बारात में सब जानते हैं कई से कलाकार उनके बिना अधूरा है सर्व देवी देवता की आसन हुई है और पश्चात हम उसके बाद में पितरों के आसन देने के बाद में हम यज्ञ की ओर चलेंगे लेकिन उससे पहले गीत हो तो चले पितृ देवता से याद करो कि हे पितृ देवता ये विवाह संस्कार है हमें आशीष देना सदा रक्षा कर ओम नमो या पित्रो रसाया नमो या पित्रा सुसाया नमो या पित्रो जीवाया नमो या पित्रो धुराया नमो या पित्रो घोराया नमो या पित्रो मन्वे नमाया पित्रो पितृनमो गणम पितृदाता संतो पितृदम सोभवम शिव भगवान को भी याद करें नमामि शनि श्याम निर्माणे रूपम व्यम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निरेकल्पहम निराहम चिदाकाशी महाकाशिवासं भजेहम निराकारी मोकाल मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोती महिषं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारी संसारे पारं नतो विशालं प्रशानानं नीलकंठं दयालं मृगधेशि चंबर मुंडममालं प्रियं शंकरं शरवनाथं भजेहं प्रचंडं प्रकष्टं प्रगालं परमेशं अखनगाज भानुकूटं प्रकाशं त्रासुलमुरसुल्लं प्राणी भगवान कलकत्यं कलातीत कल्याण कलम पंतकारी सदा संजनानं दाता पुरारी
चितानंद दूतमोपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भौम मथारी नयादुमनाथ पदारविंदम भजेते ही लोकम प्रवा नारायण तत्तम सुखम शांति संताप नाशनम प्रसिद्ध भव सर्वदूषम ना जनामि योगम नो जापम नो पूजम नता सर्व संबुद्धम जरा दम तो कपाय आपम महीशम शंभु बोलो पितृ देवता की जय शंभुनाथ की संगे छोड़ देना ओम तन्तत्वा सिंभिरो भित्रवधामचि ग्रहचोचाया भीष्टाया स्वाहा इदम जात वीद से गुरु बेटा लकड़ी के प्रति जो है अब बेटा चारों तरफ ऊपर पानी गिरा ओम अदिति नमनस्य स्वाहा अनुमन्ते नमनस्य स्वाहा सरस्वते अन्मनस्य स्वाहा वीद सुगति जापते गंधर की तुकुनाथ स्वदधता सप्तम बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय ठीक अब बेटा आप नीचे छोड़ना बेटा लोटाला पानी आप हाथ में ले लो राइट हैंड नो लोटा पूरा बिनाल बेटा घी आगे में छोड़ के एक ड्रॉप पानी उसके टिमकाना अच्छा लोटा ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदन्नमंगुल्मे ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं दोनों दोनों स्वाहा बोलो बेटा ओम मगनाय स्वाहा इदं मगनाय इदन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः ओम भू स्वाहा इदं वायु इदन्नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्नैर्दन्नमम् ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं बेटा पांच बार घी खरी छोड़ो पानी में पानी रखो बेटा ओम आया पूरा चम्मच भर कैसे है फाइव पैन सुनाना बेटा कैसे रहे ओम स्वाहा बोलना ओम प्रणाय स्वाहा वैनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा सब गिरा दो बोलो यज्ञनारायण गिरा दो बेटा यज्ञनारायण भगवान की जय लकड़ी ऊपर है ओम श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा वाणी हिरणाय गर्भम स्वाहा मात पिता चरण कमल भयो स्वाहा इष्ट देवता भयो स्वाहा कुल देवता भयो स्वाहा बेटा जानी ओम ग्राम देवता भयो स्वाहा ओम स्थान देवता भयो स्वाहा सर्वयो देव भयो स्वाहा सर्वयो ब्राह्मणे भयो स्वाहा श्री गुरु चरण कमल भयो स्वाहा बेटा ओम श्री गुरु चरण कमल भयो स्वाहा सभी लोग गायत्री मंत्र बोले एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा नवग्रहवन ओम सूर्याय स्वाहा चंद्रदेवाय स्वाहा मंगल देवाय स्वाहा बुध देवाय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा शुक्राय
स्वाहा सनसनिश्राये स्वाहा रणरावे स्वाहा कंकेतुवे स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये श्रीश्वार्तिशादिके शरणे तंबिके गौरी नारायणी नमो अस्तुते स्वाहा सरस्वती माताये स्वाहा लक्ष्मी माताये स्वाहा पार्वती माताये स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवरदनम् उर्वारुकमहि वंदनातम् मृत्युमोक्षिमामृतात् स्वाहा सभी लोग ओम भूर्भुवस्वः भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्वितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा पवित्र सत्धारणं वसो पवित्र सहस्रधारणं देव सवित पुनत वसो पवित्रं सहस्रधारणं बेटा लोटाला पानी ई लोटाला पानी ईला पानी बहरे बहरे छिटो बहरे बहरे ओम यथा वान प्रहराम काचुवार्तिके बहुते शांति अष्टुते ठीक है बेटा जिसमें घी टपका तारा दोनों जन उसमें हाथ लगाओ पानी के भगवान से विनती करो दोनों जन टच कर लो हाथ मारो सर्वप्रथम ऐसे ऊपर करो बेटा चंद्र देवता से आशीर्वाद दो कि विवाह संस्कार हम लोग की रक्षा करना सायकाल वेला है पिता रक्षा करो दधि शंका तुचारंभम त्रिशंभुम नमामि शंभुर्भुक्तभूषणम बोलो चंद्र देवता की जय अब अग्नि देवता से आशीर्वाद लो बेटा कि विवाह संस्कार में सब तेज शक्ति बल बुद्धि मिले सर चू बेटा जो मसीह तेज में नहीं देखो महाराज व्रे मसीह वीर में नहीं कांधे पे रखो बेटा शक्ति मिले बल बुद्धि मिले भले मसीह वरुण पैर के गाठी पे चलने की शक्ति जो मसीह हाथ को सूंघ लो मन्ने रसी मरमाधे एक बेर उतार दो सहसु में बोलो यग नारायण भगवान की जय धन्यवाद सभी लोग बैठ सकते हैं मैं निवेदन करूंगा कन्या पक्ष से हमारे भाई रजेश जी का आगमन है दो चार शब्द वो कहेंगे पंडित जी आपके चरणों मेरा प्यार भरा नमस्कार जय आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता है कि आप लोगों के इतना धूम से स्वागत हुआ है आप लोगों के हृदय से मैं धीरे धीरे कोटि कोटि धन्यवाद देता आप लोगों के चरणों में मेरा प्यार भरा नमस्कार जय जयकार जय श्री राम मैं अपन बीचा की तरफ से आया है उम्मीद लेके आया है कि आप लोगों के रिमाइंडर है कि आप लोग वैदिक सेंटर में पधारिए बरात लेके आइए हम लोग ऐसे आप लोग स्वागत किया है वैसे हम भी लोग कोई रकम से स्वागत आप लोगों के करेंगे और इस सब चीज़ के लिए आप लोग कितना सुंदर घर बाहर निकलेंगे इतना अच्छा जगह दिया है इतना अच्छा से मुझे स्वागत किया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों के बढ़ते रहे ये तिलक संस्कार पूरा कुछ मैं बोलना चाहता है कि ये एक एक रिवाज है रीति रिवाज हम लोग के पीढ़ी लोग करते आया है हम लोग देखा है हम लोग चलाता है हम लोग अपन कंधा पर पीढ़ी लेके चलते हैं कि कोई रकम से सब चीज़ अच्छा से हो यही हम लोग के रीति विधान हम लोग के पीढ़ी लोग सिखाया तो वही हम लोग अब लेके चलते हैं वैसे भी हम लोग के पीढ़ी में रामायण लेके आया था इंडिया से वही सब हम लोग लेके चलते हैं ये बहुत भाग्यशाली हम लोग है कि इतना सुंदर से हम लोग के धर्म पालन करता है अब सभी के लिए हृदय से मैं एक दफ़े आओ कोई रकम धन्यवाद देना है कि हमारे भाई के लड़का आया है हमारा ससुर आया है सब कोई हम लोग की तरफ से कितना दिन अपन भमिल से मैं निकाल के आया है आप लोगों के हृदय से धन्यवाद है ढेर ढेर धन्यवाद है और कुछ क्षमा याचना है कोई रकम से टूटी उठी होगा
आप लोग जो विद्वान है हम लोग के सभा करना, आप सभी को जय श्री धन्यवाद। दोनों पक्ष के मैं ब्राह्मण हूँ, बेटी की तरफ से और बेटे की तरफ से। तिलक संस्कार का कई नाम है, उसे चाहे तिलक संस्कार कह दे, चाहे वाग्दान संस्कार या वचन संस्कार। विवाह संस्कार के एक रसम है, कई ऐसे संस्कार है हमारे जीवन में, 16 संस्कार बतलाई गई है, उनमें से एक उत्तम संस्कार वाग्दान संस्कार है। जितने यहां विवाहिक नारी है सबको ये पता है, और उसी तरह पुरुष और वैसे हमारी बेटी। तो सर्वप्रथम कन्या पक्ष में दो चार शब्द जरूर कहूंगा। भाई श्री जी, आज बेटे श्यामक जो कन्या के भ्राता है, बड़ा उम्मीद लेकर इस घर पे आया, और कई ऐसे वस्त्र गुप्त रूप में इन्होंने दान स्वरूप लाया मीठा वस्तु के साथ। एक वचन संस्कार है, याद रखना, और साथ साथ में बेटा यही विनती है कि जो बेटी जो बहन है उनका, जो हमारी बेटी है, उनके पिताजी का आगमन यहां है, परिवार आज रोते बिलखते हुए विदा किए हैं भाई जी को। बेटी बड़ा अनमोल होती है जीवन, याद रखना, बेटी और मां, उनका पहला नाम है बेटी, क्योंकि कन्या स्वरूप बेटी बन के आती है। दूसरा नाम उसका पड़ता है बहन। आज जो भाई उम्मीद लेके आया, तीसरा नाम उसको पड़ेगा विवाह संस्कार के बाद में एक पत्नी का रूप। लेकिन एक मां का नाम कब पड़ेगा, जब ऐसे ग्वाल वाल बच्चे उनके भगवान की आशीर्वाद से जब जन्म लेगी तो वो एक मां बनेगी। मां बड़ी अनमोल थी, आज बिलखते हुए कही है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर आज बड़ा किया, जिस बेटी को मैंने 9 महीना गर्भ में रखा, जिस बेटी को आज मैंने सींचा और अपन घर के फुलवारी बनाया, आज भाई जी उन बच्ची के लिए एक उम्मीद लेकर इस दरवाजा पर पहुंचा। याद रखना, मां की ममता आज बिलख उठी। इसलिए हर एक पुरुष, हर एक पिता, हर एक बहन के पीछे एक नाम है जिसका नाम है पिता का नाम, लेकिन संसार में मां का नाम कहीं नहीं दिखाई दिया। आज जितने देवी बेटी शक्ति बेटे उनको मैं प्रणाम करें, क्यों नहीं मां का नाम मेरे नाम के पीछे जुटा, क्योंकि दुनिया में कोई बेटा कोई बेटी पैदा ही नहीं हुआ मां के नाम ले चलने। दुनिया में कितनों बड़ा रिश्ता रही, 9 महीना 5 8 महीना 7 महीना रिश्ता, मां का रिश्ता दुनिया में बड़ा है। जिस दिन बेटा बेटी इस गर्भ में चल देते हैं मां के, उस दिन से उस रिश्ता जुड़ जाता है। उसका कर्ज, उसका दूध का कर्ज, कोई संतान कोई पुत्र पैदा ही नहीं हुआ कोई बेटी कि मां का कर्ज, इसलिए उसका नाम का अधिकार हम नहीं बने हैं, लेकिन उसका कर्ज निभाना और मां का नाम अजर अजर है। शायद बेटी में कुछ कमियां हो तो आज भाई जी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं उसे क्षमा करना। घर घर की कहानी है, घर घर की वर्तालाप है, मानो तरह तरह की तैयारी होती है घर में। शायद उस बच्ची में ज्ञान ना हो, शायद उस बच्ची उतनी पढ़ी लिखी ना हो, जो आपका प्रताप है, तो कन्या पक्ष की ओर से मैं ब्राह्मण के हिस्से से उनकी ओर से यही विनती करता हूं कि उसे आज अपनाना और सही तौर पर बरात लेकर बेटा पहुंचना। याद रखना, बहुत सुंदर उपाय है, सबसे बड़ा उसमें एक नारियल का फल है। नारियल एक दुनिया में ऐसा नारायण का रूप माना गया कि धरती पर से जब भी गिरता है अपने आप खड़ा हो जाता है, पेड़ पैदा हो जाता है। कहीं झूरा नारियल गिरता है, पेड़ पैदा होता है, उसका कोई सहारा की जरूरत नहीं। आज बेटी ने वो उपाय भेजा है बेटा। नारियल में इतनी मीठी पानी होती है, इसलिए बेटी ने वादा किया है कि उसके मुख की वाणी उतनी मीठी रहेगी। फिर कितना सफेद गरी होती है, पवित्र है हमारी बेटी, और नारियल कैसे जुटा होता है, वैसे आकर जुट कर एक परिवार के पालन पोषण करेगी। फिर दक्षिणा है इसमें, लक्ष्मी स्वरूप है बेटी, कि जिस दिन से मैं वस्त्र दक्षिणा दान दिया गया, जिस दिन से मैं पग रखूंगा,
कभी लक्ष्मी के कमी नहीं होगी, ऐसे ऐसे वादा मानते हमारे बेटे। इसलिए बेटी का रूप हो जाएगा आज से, ये स्वीकार करेंगे, आज वो लक्ष्मी स्वरूपा बनेगी आज से विवाह संस्कार के प्रति। और उसी तरह चलते हैं हम अपने वर पक्ष की ओर, अपने बहन जीजा की ओर से सबको एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि कोई संस्कार कोई ऐसा चीज ऐसे जो हमारे बच्चे में कमी नहीं है, इनको मैं बचपन से जानता हूं। मैं ये बात घर पर भी जीजा बैठ कर बोला कि विनीत और विनाल हमारे बेटे, धर्म रामायण संस्कार और इन परिवार में कोई कमी नहीं है। वादा करता हूं मैं कि जिस दिन से बेटी इस घर में आएगी वो हमारी बेटी हो जाएगी, उन्हें हम अपना सिखाएंगे, अपना वर्तालाप लेकर अपने जीवन में उनके कभी कोई कमी नहीं होने। तो वाग्दान संस्कार का दूसरा मतलब है वचन संस्कार या कोई संस्कार, उसका ऊपर जानना जरूरी कि वाग्दान संस्कार क्या कर रहे हैं। प्रथा तो निभा रहे, प्रथा तो देखी देखा बहुत हो रहा है। चले एक जोक बतला दे हंसते हंसते, अब तो सबके आंख में आंसू है। एक जगह पूरी बेला तरह बहनी शादी वाला, तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते चली आई, तो जो बहनी लोग पूरी बेल रहे थे उसने कहा कि इतना मैल चीज कैसे आई, तुम आज ही बताइस। बोले हे पतो थोड़ा दूध लो और हंडी नीचे तोड़ दी। बोले बेटी बैठो चल दे तब निकालेंगे। तो जब भी पूरी बेचे तो बिल्ली पहले तोपे, बोले अजिया करे रे नहीं तो बोल। लेकिन कारण नहीं जानी से आज ही काहे करी है। कारण जानना जरूरी है कि वाग्दान संस्कार इसको क्यों हम निभाए। और धन्यवाद बेटा, बेटा आपके बेटी के। चलो एक जोरदार ताली फिरी लड़कन के लिए बजाओ। इस देश में मैं घर घर जाता हूं, हफ्ता में 7 रोज है तो शायद 25 घर में जाता हूं, लेकिन कई ऐसे घर है जहां बेटी ये सब चीज नहीं निभाए। धन्यवाद है बेटा, आज अपने माता पिता के लाज, अपने पुरजों के लाज, उसी तरह बेटा आप बेटी हमारी कि सब कुछ हो गया इस देश में, सब कुछ बदलाव है, लेकिन आपने धर्म आपने कर्म नहीं किया। इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हर एक पुत्र का हर एक बेटी का रक्षक कौन है? माता पिता। अगर मेरा बेटा अगर बत्ती नहीं बारे जाने, आप लोग की गलती नहीं बेटा, वो मेरा गलत है कि मैं समय बताया नहीं कब बारा जाए और कैसे बारा जाए। याद रखना ये जीवन की रीत है और इसे निभा रहे। इन बातों के साथ कहने के तो मैं कहते रहूंगा, समय तेजी से जा रही है, लेकिन तिलक संस्कार करने से पहले बेटा एक निमंत्रण है और कुछ गुप्त दान है बेटा बच्ची की ओर से, उसे आप स्वीकार करोगे और आशीर्वाद है हमारी कि सफलता बने और उम्मीद है कि समय पर लेकर आप जरूर पहुंचेंगे। बड़ा ठीक है बेटा, चलो बेटा आप उसके राइट पर।
मिठाई लो। ॐ स्वस्तिरिं इन्द्रो वृत्वाहा स्वस्तिरपूता विश्वेदा स्वस्तिर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 स
सुनो शिव शंकर सुनो रघुनंदन हरे अरे अम्मा के डरिया से बोले कोयलवा पिंजरे बिछवा अब बोले सुगनवा पिंजरे बिछवा जोर से राम राम बोलो सबके सुन नहीं पाए राम राम एक जोर दो ताली का आशीर्वाद इनके लिए हो जाए। दूसरा हमारे माता जी के लिए बहुत सुंदर गीत गाई मतलब का गीत क्या होना चाहिए बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर मैं ब्राह्मण के हिस्से से आप सभी को दोनों पक्ष की ओर से स्वागत करते विशेष धन्यवाद देता हूँ। शायद ग्रहदाता की ओर से उठाने बैठाने में सेवा सत्कार में कुछ भूल एक दूसरे के हम क्षमा करेंगे और जैसे दूध पानी तो मैं भी क्षमा ले रहा हूँ और सभी को जय सिया राम। मैंने ये जा खड़ा हूँ मौसी मौसा सब आ गया बड़े लोग लड़का का आशीर्वाद दो
आशीर्वाद बहुत बड़े होते हैं। आज वो दिन आया, नानी नहीं है बेटा, लेकिन उसके आशीर्वाद है। बहन जी, दुख के बात तो है कि माता जी नहीं है, लेकिन खुशी है, उनका आशीर्वाद है। आज उन्हीं के आप एक फुलवाड़ी हो, आप उनका है, तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, माँ नानी जी जहाँ उसकी शांति है, सब कुछ कारज है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज कारज हो। भाई से मिलो, और ये जो दाल का संस्कार है ये होती है शादी विवाह में, तो आज मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग मिलके आगे कार्य को पूर्ण करें। बहन जी, एक आशीर्वाद का गीत हो जाए। डाल परछान परछान होने लगा, डाल परछान परछान होने लगा, thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah, it's a
You're the one.
कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाले तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।